के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आजकल एक ही बात की बड़ी जोरों से चर्चा हो रही है और वो है ताजमहल का मिटा दिया जाना। बड़ी सुर्खियों में है ये खबर और हमारे दर्शक रियल टीवी पर बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। तो हमारी आज का चर्चा का विषय रहेगा, क्या ताजमहल को मिटा दिया जाना चाहिए। हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे इस विषय से जुड़े इंजीनियर श्री मनोज वर्मा जी, इलाके के धारा सभ्य श्री लक्ष्मी प्रसाद चौरसिया जी और पर्यावरण निष्णात श्री गंभीर उपाध्याय जी। तो मनोज जी, पहले आप अपनी राय बताइए। साहब, यहाँ से तो ठीक से ताज दिखता भी नहीं है। मतलब हम सही जगह पे हैं। तो क्या सच में? बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? वह ताज? ना 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 ना, अह ताज। वहां से लेकर अह तक का यह सफर अब बस चंद दिनों का है। ये शहर बनने का समय नहीं है, जल्दी से पिलर नंबर 76 ढूंढो, प्रोजेक्ट की बैटरी लिमिट वहीं से शुरू होगी। साहब, ताज से छन कर, यमुना से चूम कर, ये हवाएं किसी को भी शायर बना दे, पता नहीं आप कौन सी मिट्टी से बने हो। एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे। पिलर नंबर 76 का पड़ेगा। ये इंसान भी क्या बला है, खुद की मौत कब आ जाए इसका इल्म नहीं, रूहों को भी चैन से नहीं रहने देते। ओए, पता है किससे बात कर रहा है तू? पता करना भी नहीं है। मछली खाओगे साहब? साहब, मछली ले लेते हैं। सुना है ताज के पास की मछली में बड़ी गजब की मिठास होती है, जैसे कि चाशनी में। शट अप। अरे भाई सुनो, हम सरकारी काम से आए, जल्दी से बताओ पिलर नंबर 76 का है। यहां से सीधे 400 कदम दूर। लेकिन संभल के साहब, सुना है सदियों से वहां कोई सरफिरा आशिक भटक रहा है। साहब, मुझे तो ये भूतिया जगह लग रही है, चलो वापस चलते हैं। एक काम करो, तुम इसके साथ मछली पकड़ो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। भाई साहब, कुछ पीड़ी सिगरेट है क्या? एक आशिक, एक शायर, शाहजहां हमें बुलाते हैं। शाहजहां? ये कैसे मान लो कि तुम शाहजहां हो? या खुदा, अबे अल आजाद अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शाहपति शाहजहां को भी साबित करना पड़ेगा कि हम भी वो शहंशाह है जिनकी खिदमत में पूरी हुकूमत हाजिर होया करती थी। शहंशाह जहांगीर की हम 14वीं औलाद है जो मोहब्बत के लिए जाने गए, लेकिन आज ये हालात देखिए कि हमें अपनी पहचान देनी पड़ रही है। खैर, चलो मान भी लिया कि तुम शहंशाह हो, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो पिछले 300 सदियों से यहाँ रह रहे हैं। एक फरमान की हमें इत्तला हुई कि हमारे प्यार की बुनियाद, जो हमारी मोहब्बत की मिसाल भी है, हमारी इश्क की नुमाइंदगी भी है, उसे मिटा दिया जाने वाला है। ये ताज को मिटा दिया जाने वाला है। हमारे तो होश ही उड़ गए, एक झलझला सा छा गया हमारे जहन में। फिर हमने अपने आप को संभाला, हिम्मत जताई, खड़े हुए और आपकी खिदमत पेश होने के लिए चले आए। हमारी एक गुजारिश है आपसे, एक बार हमारी बात को गौर से सुन लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे। फरमान तो जारी हो चुका है, इसके बारे में ना आप कुछ कर सकते हैं ना ही मैं।
ताजमहल की इस इमारत को मिटा दिया जाएगा। इमारत? मेरे आला जनाब, ये कोई रास्ते का पत्थर नहीं है, ये कोई गंदी नाली नहीं है, ये कोई इमारत नहीं है, ये ताजमहल है जहाँ मेरी मुमताज एक आराम फरमा रही है, और आप इसे मिटा देना चाहते हो, वो भी एक सिर्फ फरमान के तहत। जापन, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगने वाली है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे इस पूरे इलाके की तरक्की होगी। और ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक की बात है कि इस इंडस्ट्री को बराबर ये मकबरे के ऊपर ही लगना था। फिर से जनाब आपने हमारी मोहब्बत की मिसाल की तौहीन की है। आप क्या जानो मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत का हर एक पल कैसे जिया जाता है। इन संगे मरमर की मुख्तलि बारीकियों में मौजूद हमारे प्यार के हर एक कलमे को पढ़ने की कोशिश आपने कभी करी है? इन हवाओं की खुशबू को आपने कभी महसूस किया है? आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। इन झरनों में बहते हुए पानी से या इन वादियों में खिले हुए फूल से खूबसूरत तो हमारी प्यारी बेगम की मुस्कान थी। वो जब चलती थी पाजेब की झनकार को सुनकर तो जादिंदे अपना संगीत बना लिया करते थे। लेकिन ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आप तो इस जगह को छीनने के लिए तुले हुए हैं, तहस तहस करने के लिए तुले हुए हो जहाँ मेरी मुमताज एक लंबी नींद सोई हुई है। नामदार, इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये 21वीं सदी है, यहाँ पे तरक्की की राह में जो भी आएगा उस चीज को मिटा दिया जाएगा। गलत, फिर से गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया आपने। ये ताजमहल कोई चीज नहीं है जिसको जब चाह मिटा दिया गया। मोहब्बत की इस मुकम्मल मिसाल को आप कैसे मिटा देने की जरूरत कर सकते हो? शाहजा जी, अब आपकी बातें खत्म हुई हो तो मैं काम पे लग जाऊं। हार गया शहंशाह, हार गया। इस ताज की निगरानी करते करते शहंशाह आज हार गया। अब ताजमहल को कोई नहीं बचा सकता और इस कायनात में इससे ज्यादा चलचला हो भी नहीं सकता। लेकिन हम इस ताज को निस्त नाबूद होते नहीं देख सकते। आते हैं तेरे पास। अरे साहब, सावा मछुआरा गायब हो गया। ये मेरे को एकदम डेंजर लग रहा है इधर। चलो चलो चलो, हम निकलते हैं। चलो चलो। अरे सब क्या हुआ? एक काम करो संतोष, हेड ऑफिस पे इन्फॉर्म कर दो कि ये जमीन लायक नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। आमीन। खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है, एक शहनशाह ने बनवा के हसी ताज में।